आज हमारा सॉफ्टवेयर एडवांस एक्सेल जिसके अंदर लेक्चर नंबर 18 है। टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय डिटेल फॉर्म। एम्प्लॉय का डिटेल फॉर्म कैसे एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। अब हमने एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक को ओपन करना है तो विजुअल बेसिक को एक्सेल के अंदर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवेलपर वाले मेन्यू में जाएंगे। इसके यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज बार में इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन होगा फिर विजुअल बेसिक। आप यहाँ से विजुअल बेसिक सेलेक्ट कर लेंगे। अब विजुअल बेसिक आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम एम्प्लॉय का जो डिटेल फॉर्म बनाएंगे यूज़र फॉर्म को यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो अब यूज़र फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा यूज़र फॉर्म का। आप इसके ऊपर जब क्लिक कर देंगे तो आपके पास यूज़र फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब आपका यूज़र फॉर्म आ गया। अब उसके ऊपर आप बटन्स सेट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे। अब हम आज किन बटन्स का यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद दूसरा बटन आप सिलेक्ट करेंगे लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से लिस्ट बॉक्स लेकर आप इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करना है ताकि आप कॉम्बो बॉक्स के अंदर अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनके नेम वगैरह सेट कर सके, ठीक है। अब फॉर्म के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र फॉर्म क्लिक के प्रोसीजर के साथ ओपन हो जाएगा। हमें क्लिक नहीं चाहिए तो हम यहाँ से प्रोसीजर में जाके क्या लेंगे, एक्टिवेट। हम एक्टिवेट क्यों लेते हैं, ताकि हमारे एक्सेल की शीट के ऊपर यूज़र फॉर्म के यानी कि विजुअल बेसिक के थ्रू हम जो यूज़र फॉर्म पर जो भी काम कर रहे हैं उनके सारे ऑप्शन क्या हो जाएँ, यहाँ पर एक्टिव हो जाएँ, ठीक है। अब एक्टिवेट लेंगे तो यहाँ पे यूज़र फॉर्म एक्टिवेट का सब्जेक्ट आ जाएगा। जो क्लिक वाला सब्जेक्ट होगा हम उससे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक्टिवेट वाले ऑप्शन में काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम अपने एम्प्लॉय के नेम ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स 1.addItem, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास देंगे, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय का नाम टाइप कर देंगे। इसी लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल वी से नीचे वाली लाइन्स में पेस्ट कर देंगे। आप जितने मर्जी एम्प्लॉय की डिटेल सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं 3 एम्प्लॉयज़ की डिटेल सेट करूंगी, तो मैंने 3 आइटम सेट की हैं नेम के कॉम्बो बॉक्स के अंदर। अभी जो आपके नेम है आप इनको चेंज कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने फॉर्म पर डबल क्लिक करके एक्टिवेट लेकर उसके अंदर अपने यूज़र फॉर्म के अंदर जो आपने कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ किया है उसमें नाम सेट कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप पेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपको कॉम्बो बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कॉम्बो बॉक्स चेंज। आप चेंज वाले प्रोसीजर में काम नहीं करेंगे बल्कि प्रोसीजर में जाके यहाँ से क्लिक ले लेंगे, ताकि हम नेम के ऊपर क्लिक करें तो हमारी उसकी हमारे पास लिस्ट बॉक्स के अंदर उस नेम की डिटेल आ जाए, ठीक है। अभी जो चेंज वाला कॉम्बो बॉक्स वाला सब्जेक्ट होगा हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और जो हमने क्लिक वाला दिया होगा इसके अंदर हम अपनी कोडिंग टाइप करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लिस्ट बॉक्स 1.clear, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इफ कॉम्बो बॉक्स 1.text इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपने एम्प्लॉय का नाम। अगर हमारे कॉम्बो बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो क्या है, जो भी आपने नाम दिया है उसके हिसाब से आप सेट कर देंगे, तो हमारा जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर उसकी क्या डिटेल है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स 1.addItem, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में आप अपने एम्प्लॉय की फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी सेट कर देंगे। जैसे हमने 10,000 सेट कर दी, एंटर प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसी लिस्ट बॉक्स वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कॉपी कर लेंगे, कर्सर को नीचे रखेंगे और यहाँ कंट्रोल वी से उस लाइन को पेस्ट कर देंगे। मैंने 3 times पेस्ट की है। अब यहाँ पे इसकी जो अंदर डिटेल है उसको चेंज कर देंगे। अब बेसिक सैलरी को रिमूव करके यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे।
उसके बाद नीचे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेट कर देंगे एड्रेस, इसके नीचे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेट करेंगे डेजिग्नेशन, इस पोस्ट पे काम करते हैं आपका एम्प्लॉय। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाली लाइन में क्लिक करके एडिट कर देना है। अब आप क्या करेंगे, इफ से लेकर जो यहाँ से इफ से लेकर एंड इफ तक सारा डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर एंड इफ के बाद क्लिक करेंगे, इसी कॉम्बो बॉक्स क्लिक वाले सब्जेक्ट के अंदर क्लिक करके एंड इफ के बाद कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक बार पेस्ट किया फिर दोबारा से कंट्रोल वी से दूसरी बार पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 एम्प्लॉयज है, हमने 3 एम्प्लॉयज की डिटेल डालनी है, इस वजह से मैंने एक ही बार डिटेल ऐड कर दी और उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट करके बीच में जो भी चेंजिंग होगी वो कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना नाम एम्प्लॉय का चेंज कर देंगे, दूसरा नाम टाइप कर देंगे जो भी होगा। एम्प्लॉय के नेम वगैरह और बाकी डिटेल जो है वो चेंज कर देंगे। इस तरह से अब आप रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, दोबारा पहले अपने फॉर्म पे जाएंगे, यूजर फॉर्म पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पेज में और यहाँ से आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, हाइट सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके यूज़र फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इस यूज़र फॉर्म का रिजल्ट देखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से रन सब्जेक्ट या यूज़र फॉर्म लिखा हुआ आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट की है F5, अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, F5 प्रेस कर देंगे तो आपकी रिजल्ट स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ से आप कॉम्बो बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से जिस भी एम्प्लॉय के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिस्ट बॉक्स के अंदर उसकी डिटेल आ जाएगी, जो आपने यूजर फॉर्म के जरिए एडवांस एक्सेल के अंदर मॉड्यूल में कोडिंग टाइप कर ऐड की है। ठीक है, क्लिक करते जाएंगे, डिटेल वगैरह चेंज होती जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी एम्प्लॉय की डिटेल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो आपका आज का एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 18 टॉपिक नेम एम्प्लॉय डिटेल फॉर्म कम्प्लीट हो गया है। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।